नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आए हुए हैं वृंदावन में और हम आज आपको दिखाने वाले हैं प्रेम मंदिर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा प्रेम मंदिर शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और यहाँ आने का बेस्ट टाइम है इवनिंग में। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे प्यारे वृंदावन श्री कृष्ण की नगरी का बहुत ही प्यारा मंदिर प्रेम मंदिर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, यह है प्रेम मंदिर जो कि पूरी दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे इसे जो है प्रेम की निशानी भी कहा जाने लगा है और यह श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के प्रेम की एक निशानी है जिसे कि प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया है और यह मंदिर बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों, यह पूरा सफ़ेद रंग का बनाया गया है और रात में इसकी जो है एक अलग ही दशा आपको देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे 7 रंगों के लाइट से जमजमाता हुआ आपको दिखता है और पूरा चमकता हुआ आपको यहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों, चलिए अभी आपको दिखाते हैं फाउंडेशन शो। जाएंगे
पे कुछ इस प्रकार से पूरा फाउंटेन शो चलता है, जो कि यहाँ पे रंग बिरंगे लाइट वगैरह होती हैं और उसमें वाटर वगैरह रहता है और श्री कृष्ण की झलकियाँ दिखाई जाती हैं और वहाँ पे प्रभुपाद जी के बारे में दिखाया जाता है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सामने गेट प्रेम मंदिर का, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके सामने यहाँ पे प्रेम मंदिर लिखा हुआ है। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे पूरा अंदर से श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर, और इसके सेकंड फ्लोर में बना हुआ है श्री राम जी का और माँ सीता जी का मंदिर। तो जैसे हम एंट्री करते हैं आपको यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत ही प्यारी लाइटिंग, और दोस्तों देखेंगे आप मंदिर का आकार बहुत ही प्यारा है। यहाँ की नक्काशी आप देखेंगे, आपको वहाँ की नक्काशी में मन मोह लेंगी। और यहाँ बीच में लगा हुआ है बहुत बड़ा झूमर, जो कि इस पूरे मंदिर का केंद्र बिंदु बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जगह जगह आपको जो है श्लोक वगैरह देखने को मिल जाते हैं, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान आपको देखने को मिल जाता है, और प्रभुपाद जी की यहाँ पर आपको कुछ जो है मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें देखने में ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभुपाद जो है आपके सामने ही बैठे होंगे। तो देखेंगे दोस्तों यह ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल मूर्ति जैसी लग रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है श्री कृष्ण और माँ राधा रानी का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं मंदिर में और दिखाते हैं पूरा मंदिर आपको किस टाइप से दिखाई देता है। तो दोस्तों देखेंगे जैसे बाहर लाइट चेंज होती है, सेम वैसी यहाँ अंदर भी लाइटें वगैरह चेंज होती रहती है, और यह मंदिर जो है दोस्तों बहुत ही प्यारा लगता है। आप यहाँ अवश्य आएँ और शाम को आएँ, क्योंकि शाम को आपको इस मंदिर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जो कि आपका मन मोह लेता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घूम रहे हैं वृंदावन के इस प्रेम मंदिर के अंदर, जिसकी हम पूरी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कैसे आप आ सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यह मंदिर दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर है और वृंदावन के नए मंदिर में से एक मंदिर है। जिस झूमर की हम बात करें दोस्तों, वह झूमर आपके सामने रहा, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों आपको जो है प्रभुपाद जी की मूर्ति देखने को मिल जाती है, जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और यहाँ पे उसे किया गया था। दोस्तों हम सेकंड फ्लोर में आपको दिखा रहे हैं श्री राम जी और माँ सीता जी की यहाँ पर मूर्ति, जो कि बनी हुई है दोस्तों। तो आप लोग भी यहाँ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर। जैसा कि हमने बताया था आपको, यहाँ मंदिर जो है समय समय में अपनी लाइटिंग चेंज करते हुए दिखाई देगा, और यह हमारे सामने रहे श्री कृष्ण, जो कि यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।